स्टार्ट। आज जब पूरा विश्व तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, तब भारत अपने मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को लेकर सर्वत्र शांति और समृद्धि के लिए प्रयासरत है। परिणाम स्वरूप दुनिया के कई देश हमें न केवल शांति दूत मानते हैं, बल्कि वे अपनी जटिल समस्याओं के लिए हमारी ओर देख भी रहे हैं। भारत की इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद नियंत्रण एक अहम मुद्दा है। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति पर न सिर्फ कायम है, बल्कि बदलते वैश्विक परिवेश में आतंकवाद का खात्मा उसकी प्राथमिकताओं में से एक है। ध्यान रहे कि आतंकवाद की कोई भौगोलिक सीमा नहीं रह गई है। भारत आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसे समाप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए दृढ़ और सराहनीय कदमों के चलते विश्व में इसकी विशिष्ट पहचान बनी है। पिछले एक महीने में भारत में इस विषय पर दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए हैं। दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा और मुंबई में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर विशेष बैठक। इसी कड़ी में आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों के समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडलीय स्तर के दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में 18 से 19 नवंबर को हो रहा है। इसमें विश्व के कई देश हिस्सा लेंगे और इसका केंद्र बिंदु नो मनी फॉर टेरर है। इसके पहले यह सम्मेलन 2019 में ऑस्ट्रेलिया और 2018 में पेरिस में आयोजित हुआ था। चूंकि विश्व के बदलते परिवेश में टेरर फंडिंग एक चिंताजनक और गंभीर विषय है, अतः आगामी तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विशिष्ट महत्व स्वाभाविक बढ़ जाता है। आतंकी संगठन और उनके समर्थक दुनिया के किसी कोने से आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर अपनी खुराफाती योजनाओं के लिए धन मुहैया करा सकते हैं। उच्च तकनीक वाले वर्चुअल एस्टेट प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग और डार्क वेब जैसे माध्यम आतंकियों और अपराधियों के लिए सुगम बन गए हैं। परिणामतः आतंक निरोधी एजेंसियों के लिए आतंकवाद और अपराध नियंत्रण में काफ़ी कठिनाई आ रही है। यद्यपि इस दिशा में कुछ विश्वस्तरीय प्रयास ज़रूर हुए हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था निगरानी सूची बनाकर किसी देश पर आर्थिक दबाव बनाती है। यह संस्था टेरर फंडिंग की रोकथाम के उपायों पर अपने सुझाव देती है और संबंध देशों को उचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी तरह एक आतंक निरोधक कुछ प्रयास यूरोपीय संघ ने भी किए हैं, जिसके तहत इसी वर्ष टेररिस्ट कंटेंट ऑनलाइन रेगुलेशन बनाया गया है। इस नियम के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं को रिमूवल ऑर्डर मिलते ही एक घंटे के अंदर टेररिस्ट कंटेंट हटाना पड़ता है। हालांकि इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, इसे ज़्यादा प्रभावी
बनाने की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों के दौरान इस देश में आतंकवाद और आर्थिक अपराध के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों के प्रभावी परिणाम मिले हैं। हाल में आतंकी फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। आतंकवाद, खासकर आतंकी फंडिंग, अलगाववाद और अपराध पर लगाम लगाने के लिए भारत तकनीक का भी भरपूर प्रयोग कर रहा है। हाल में आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर के वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि हम 5G के युग में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हमें अपराधियों से 10 कदम आगे रहने की ज़रूरत है। आतंकवाद पर आर्थिक नकेल कसने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझकर सामंजस्य के साथ लेने की ज़रूरत है। 3-4 साल पहले पाकिस्तान को FTF की निगरानी सूची में लाने के बाद आतंकी घटनाओं, खासकर सीमा पार से घटनाओं में काफ़ी कमी आई, मगर पिछले दिनों उसके निगरानी सूची से बाहर निकलने के बाद कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका गहरी हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस तरह की निर्णय प्रक्रिया पर विचार विमर्श करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आतंकवाद के नए आयामों और टेरर फंडिंग के औपचारिक एवं अनौपचारिक पहलुओं पर गहन चर्चा होगी। इस दिशा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, मजबूत और वृहद डेटाबेस, आर्थिक अपराध संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान तथा टेरर फाइनेंसिंग के मामलों की गहन छानबीन में पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता के प्रभावी खात्मे के लिए जनभागीदार का विशेष महत्व है। इस दिशा में संचार माध्यमों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और खासकर इंटरनेट आधारित मीडिया को सकारात्मक बनाने के प्रयासों पर गहन चर्चा आवश्यक है। आतंकवाद, खासकर इसके आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने के लिए संस्थागत शोध को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चूंकि यह सम्मेलन आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारस्परिक विश्व स्तरीय सामंजस्य की आवश्यकता पर गहन चर्चा करेगा, इसलिए उम्मीद है कि यह सम्मेलन विश्व में आतंकवाद के फैलते जहर से मानवता की सुरक्षा के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉप।